एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप घर में ठीक होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय करेंगे गाइस। तो आज का ब्लॉग कुछ मजेदार होने वाला है, तो जुड़े रहना गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी हम जा रहे हैं कॉलेज के ग्राउंड में थोड़ा सा अपने आप को फिटनेस वर्कआउट करने के लिए, और वहाँ पे हम फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है और वॉलीबॉल भी है, तो कोई भी गेम खेल सकते हैं। और कल मेरे को बोल रहे थे बच्चे कि वॉलीबॉल टीम में आ जाओ, बट मैं फुटबॉल को ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो देखते हैं आज जाके मैं क्या खेलूँगा, हो सकता है मेरे को वॉलीबॉल में आज शिफ्ट कर दें। तो गाइस अभी मैंने जूते डाल दिए हैं, और जूते देखोगे कुछ मेरे प्लास्टिक वाले हैं, प्लास्टिक वाले शूज़ काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, स्पोर्ट्स वाले मैंने रखे हैं, क्योंकि फुटबॉल खेलने के लिए के चक्कर में इतना महंगा जूता लेना और उसको ऐसे ही चले जाएगा, फ़ायदा कुछ है नहीं। तो ये सिंपली 200-200 रुपये का आता है, तो चलता है पूरा साल भर, तो ज़बरदस्त रहता है और नरम है, सॉफ्ट है और मज़ेदार है शूज़। तो इसी से अपना जुगाड़ चला रहे हैं, इसको होते हैं जुगाड़। तो गाइस अभी मिलेंगे ग्राउंड में जाके, तब तक वैसे 5:30 बजे ग्राउंड में बच्चे आ जाते हैं कॉलेज के, और मेरे को सिक्योरिटी जो है ना कॉलेज के, मैं बाहर से जाता हूँ बट वो मेरे को अलाउ कर लेते हैं खेलने के लिए, क्योंकि मैं भी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, बाहर से आता हूँ बट आउटसाइडर हूँ, बट काफ़ी वो लिहाज कर देते हैं और सोचते हैं खेलने के लिए आ रहा है, फिटनेस के लिए आ रहा है, इसलिए अलाउ कर देते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज के अंदर, यहाँ खेलने के लिए कॉलेज में, बट जब अभी तो 7th semester चल रहा है इसके बाद लास्ट है, और फिर सोच रहा हूँ कि कब यहाँ आएंगे, कभी इस कॉलेज के दर्शन भी होंगे कि नहीं। और काफ़ी मेमोरीज दोस्तों के साथ, फ्रेंडशिप्स रही है इस कॉलेज में, और आगे भी चले ब्लॉग, बट हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉग में नहीं जाना, हमें सीधा ग्राउंड में जाना, और ग्राउंड की तरफ जाएंगे। आज बाहर से भी काफ़ी बच्चे आए हैं खेलने के लिए, खेलते हैं फिलहाल, बट पंगे शंगे ना करें, बाकी सब मस्त है। देखते हैं कितने बच्चे आए होंगे, अभी ग्राउंड में जाके मिलेंगे, पानी पी लेते हैं यहाँ पे, आगे फ्रिज भी लगा है तो पी लेते हैं, फिर बाद में पसीना निकलता है बहुत है, हाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। देख के लग रहा है कि अभी 5:40 हो गए हैं लगभग, बट कोई दिख रहा नहीं है, ग्राउंड खाली है, मुझे लगता है धूप है इसलिए अब शायद लेट आया करेंगे आप हॉस्टल के बच्चे खेलने के लिए। तो गाइस ये ग्राउंड तो खाली है इस वक्त, देख सकते हो बिल्कुल खाली ग्राउंड है, क्योंकि अभी आज सुना कि मैंने फुटबॉल का मैच नहीं होना, वॉलीबॉल का मैच होना, तो शायद ऑलमोस्ट, बट बाकी गेम्स भी चलेगी, बट वॉलीबॉल की एक टूर्नामेंट चल रही है हमारे कॉलेज में शायद से, तो तभी उसमें ही, और वहाँ पे एक बंदा दौड़ रहा है अभी काफ़ी देर से। ये हॉस्टल है और हॉस्टल से भी बच्चे आ रहे हैं, तो ग्राउंड देखो जंगलों के बीचों बीच है, और ये बड़ी ग्राउंड है। Dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all. Cause this is Africa. Tamina mina, eh eh. Waka waka, eh eh. Tamina mina, sangalewa. This time for Africa. आज ब्लॉग में आप आएगा। सोशल कम्युनिटी। Listen to your dad. सोशल कम्युनिटी मेरा चैनल। This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. Vamos por todo. This time for Africa. Samina mina, eh eh. Waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. Anawa, ah ah.
प्लेयर को होगी मेरे साथ।